Hey guys, finally welcome back to my channel. और इतने सारे दिनों के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी व्लॉगिंग. और इतने सारे दिन मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की, मैं कहाँ थी, क्या हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद. बट उससे पहले मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन. आप देख सकते हैं मैं किचन में, तो हो रही है डिनर की तैयारी. और डिनर में आज बन रही है कड़ी पकौड़े वाली, अच्छी सी टेस्टी सी. तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हुए हैं एक कड़ी की रेसिपी शेयर करो. बट यार पता है डिले होता जाता था, और मैं आपको बताती हूँ कि ये सब डिले हो रहा था, तो इसलिए मैं शेयर ही नहीं कर पाई थी. बट फाइनली आज कड़ी बन रही है. आई एम सो हैप्पी कि कड़ी इज माई ऑल टाइम फेवरेट. तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ एक बार ना शेयर कर देती हूँ, और एक बार आप जरूर ट्राई करना ये वाली कड़ी. आई बेट आपको इतनी टेस्टी लगने वाली है ना, इतनी टेस्टी कि मैं क्या बताऊँ कितनी टेस्टी. तो पकौड़ी मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि मैं हो रही थोड़ा सा लेट. पहले हम कड़ी सौंप देते हैं, फिर पकौड़ी बनाएंगे आराम से. मैंने यहाँ पे दो छाछ के पैकेट लिए. आप चाहो तो दही को ना आप फैट सकते हो, बट लेकिन उसमें ना लम्स ना बचा, मतलब हल्का सा भी दही का कड़का वो ना लगे, वरना अच्छा नहीं लगता है. तो ना अच्छे से फेंकना पड़ेगा. तो मैं छाछ लेती हूँ वैसे भी, क्योंकि हम लोग दही जमाते नहीं है यहाँ पे, पैकेट वाला दूध आता है, तो बेटर लगता है कि हम लोग पैकेट ना दही दही ले आए. तो यहाँ पे मैंने लिया है दो पैकेट छाछ, प्लेन छाछ है. आपको प्लेन ही लेना, मतलब मसाला छाछ मत लेना. अगर छाछ ले लो तो प्लेन छाछ ही लेना. और विंटर्स में जो कड़ी खाने का मजा होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है. आप चाहो तो बथुए वाली, पालक वाली कड़ी भी बना सकते हो, बट मैं अभी बना रही हूँ सिंपल पकौड़ी वाली. वो बहुत टेस्ट लगती है विंटर्स में. अभी यहाँ पे दिल्ली में इतनी तगड़ी ठंड आ गई है ना, मतलब मैंने लास्ट व्लॉगिंग की थी आई थिंक फ्राइडे नाइट को, जब हम लोग एग लेने गए थे बाहर, उसके बाद से मेरी कोई व्लॉगिंग नहीं हो पाई है यार. तो फ्राइडे नाइट से अभी तक का जो वेदर है ना यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ठंडा हो गया है, बहुत भयंकर वाली ठंड आ चुकी है. सो मैंने यहाँ पे लिया है बेसन. पता है बेसन नहीं था और मुझे कड़ी बनानी थी, फिर मैंने सोचा कि बेसन नहीं है तो चलो स्किप कर देती हूँ. बट मुझे लगा नहीं यार, अब कड़ी तो बना के रहूंगी, क्योंकि इतने सारे मुझे वैसे भी कमेंट आ रहे थे कड़ी के लिए. मैंने कहा आज कड़ी बना के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो छाछ मैंने ले लिया. इस छाछ में मैं डालने वाली हूँ, जैसे कि अगर बस एक पैकेट छाछ है तो आप ढाई स्पून बेसन डालो. मेरी जो स्पून का साइज है वो काफी बड़ा है, आप देख सकते हो. अभी मैंने लिया है दो पैकेट, तो मैं इसको 5 टेबल स्पून ऑफ बेसन एड करने वाली हूँ. ठीक है, बेसन ऐड हो गया. अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक. नमक आपको अभी ऐसे ही कितना भी ऐड कर दो, इतना कुछ वो नहीं है. वो जब बन जाएगी ना तब आप टेस्ट करोगे, तब ऐड करोगे. अभी तो मैंने इसमें ऐसे 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया. टेबल स्पून भी नहीं, छोटी सी स्पून है, वो ऐड कर दिया. बनने के बाद ना टेस्ट आता है. उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हल्दी, और मतलब ये वाली जो टेबल स्पून होती है ना इसकी हाफ. और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च. ये वाली कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, लाल मिर्च है तो थोड़ी सी ना संभल के ऐड करना. कश्मीरी लाल मिर्च से तो कलर आता ही है, बट ये लाल वाली मिर्च है. इसको बस प्रॉपरली मिक्स कर दूंगी. और विंटर्स कैसी पड़ रही है आप लोगों के यार, हमारा तो इतना गंदा हाल है ना विंटर्स का. बहुत मतलब आज क्या हुआ कि आज ना मैंने हेयर वॉश किया था, मतलब आज मैं काम करने में थोड़ा सा लेट हो गई. तो मैंने 3:30 बजे हेयर वॉश किया. उसके बाद मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हुआ ना, बहुत भयंकर वाला. फिर मैंने एक नैप लिया 2-2.5 घंटे का प्रॉपर, मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के और ब्लोअर जला के 2-2.5 घंटे की नैप लिया. उसके बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है. बाल सूखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे. ड्रायर से सुखाया आज मैंने बाल, बट अभी भी गीले हैं मेरे ना बाल. थोड़ा सा सीले सीले रहते हैं जब तक प्रॉपर धूप में या फिर हवा में ना सूखे, बट कोई नहीं, एक महीना यही करना पड़ेगा. सो ये हो गया मेरा बेसन तैयार. अब मैं कड़ी छोपने की करते हैं तैयारी करती हूँ. पता है 2-3 दिन मैंने आप लोगों को इतना ज्यादा मिस किया ना कि मैं बता ही नहीं सकती यार. मतलब नहीं वो हो जाता है ना कि यार व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, तो मन करता है आप लोगों से अटैच रहती हूँ. इसी बहाने आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, पढ़ती हूँ. टाइम कैसे मेरे पता ही नहीं चलता, बट ये 3 दिन मैंने इतना ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. और उसके साथ आप लोगों को भी इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए ना मुझे, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे यार. थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल. यहाँ मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, और पता है इस बार मैं ये वाला लेकर आई हूँ पतंजलि का सरसों का तेल, तो मुझे काफी सही लग रहा है. मैंने अभी तक पतंजलि का ट्राई नहीं किया था, ये वाला लेकर आई हूँ, सही लग रहा है. आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है क्या इसे?
और मैं कड़ी में पता है मेथी भी डालती हूँ, जीरा भी डालती हूँ। कुछ लोग होते हैं सिर्फ मेथी डाल रहे हैं, मेथी दाना ये वाला ये डालना चाहिए कड़ी में, और लेकिन मैं इसके साथ साथ ना जीरा भी डालती हूँ मेथी दाने के साथ साथ। तो ये दोनों चीजें हैं जो मैं कड़ी में डालती हूँ, मेथी दाना और जीरा। दिखा देती हूँ, ये देखो ये डालना ही चाहिए आपको कड़ी में। और मेरी स्पून इसमें अंदर से ले गए भाई यार, इतनी ठंड हो रही है ना यार, बहुत ज्यादा। मतलब छाछ भी इतनी ठंडी, मैंने ना सुबह वाली थी तो मैंने फ्रिज में डाल दी थी, एकदम चिल्ड हो रखी है छाछ भी। और आज हमारे घर में हुई एक नई चीज, मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या हुआ है। वैसे पता है मैंने साथ में पकौड़ी की भी तैयारी कर ली थी, मैं सोची थी पहले पकौड़ी बनाऊंगी। तैयारी क्या मतलब, मैंने देखो तो यहाँ पे काट लिया है 4 प्याज और कम से कम 15 लहसुन की कली, और मैं काट रही थी 3 हरी मिर्च, तो एक तो कट गई, मतलब हाफ कटी अभी। फिर मैंने सोचा पहले मैं कड़ी छूंक देती हूँ, क्योंकि वो टाइम लेती है कम से कम कड़ी को, आपको कम से कम मिनिमम 40 मिनट्स खदकाओ अगर उसका आपको प्रॉपर टेस्ट चाहिए तो मैंने पहले कड़ी छूंक देते हैं, फिर ये तो होता रहेगा काम अपने आप, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद पकौड़ी बनाती रहूंगी मैं कड़ी छोड़ने। अब मुझे पता है ढोकला बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने बहुत टाइम से ढोकला नहीं बनाया है। अब मैं लिख रही हूँ इनो, पर मुझे ना ये वाला इनो मिला है, मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया यार, ब्लू कलर वाला। सो मैं ढोकला बनाऊंगी कल, वैसे मुझे पता है आज भी बनाऊँ, देखते हैं अभी कब बनाएंगे, कल तो पक्का बनाऊंगी। ढोकला बहुत टेस्टी लगता है, मतलब बहुत क्विक वाली चीज है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। ढोकला बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये ऐड कर दिया है, हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी जब तक ये नहीं बॉईल नहीं हो जाएगा, बॉईल इन द सेंस एक बार खदक नहीं जाएगा, इसमें ना उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, वरना ये फट जाएगा। तो एक बार उबाल आना जरूरी है, गैस का फ्लेम जो है वो कर देना है हाई बिल्कुल। और अभी इसमें थोड़ा सा बेसन रह गया, इसमें मेरी थोड़ी सी ना गाढ़ी हो जाएगी, तो मैं इसमें भी वाटर ऐड करूंगी इसी डिब्बे में डाल के, बट लेकिन अभी चलानी है ये, वरना ये फट जाएगी। एक बार हाई फ्लेम आ जाएगा ना फिर तो ठीक है, फिर तो ये खदकती रहेगी स्लो गैस पे, बट अभी रेगुलर चलानी पड़ेगी। इसमें ना बॉयल आने लगा है छोटे छोटे से, मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है, मतलब लो कर दिया है, और ये बहुत ज्यादा गाढ़ी है। अभी ये बहुत ज्यादा गाढ़ी है, जब खोलेगी तो और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ काफी सारा पानी। अभी तो मैंने बेसन ऐड किया था ना, उसमें मैंने पानी ले लिया, और आप देख लो ना मतलब आधा डिब्बा मैंने पानी ले लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया सारा पानी। अब पता बिल्कुल पानी जैसे हो गई है, और लेकिन अभी ये वो हो जाएगी, मतलब ये खदकेगी ना तो गाढ़ी हो जाएगी, और कलर आप देख रहे हो कितना प्यारा है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, मैं अभी ना थोड़ा सा खदक जाए ना फिर आपको पास दिखाऊंगी। कलर इसका बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, अगर इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है इसका कलर लाइट हो रहा है तो आप इसमें हल्दी ऐड ऑन कर सकते हो, बट अभी इसका जो कलर है वो बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसे चला दूं एक बार और इसमें जब उबाला जाए तो फिर से थोड़ा सा बॉइल भी डालेंगे। बस हो गई बड़ी मेरी कड़ी, सिंपल सी थी यार, बहुत टेस्टी लगती है यार, जरूर ट्राई करना, और बहुत इजी भी है। जिस तरीके से मैंने नेट पर और भी देखा था ना, मुझे बहुत हार्ड लगती थी कड़ी बनाना, बट इस तरीके से आप एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी है, क्विक है और बहुत टेस्टी भी है। मतलब इसमें मैंने 2 पैकेट छाछ ऐड किया था, उसी के साथ मैंने इसमें 2 पैकेट के क्वांटिटी के बराबर पानी ऐड किया है, मतलब उतना ही पानी मैंने सेम ऐड ऑन किया है इसमें ऑलमोस्ट। क्योंकि पकौड़ी वाली जो कड़ी होती है ना वो बहुत टेस्ट करती है, और वैसे भी इस वाली पकौड़ी में मैंने ऐड किया है लहसुन प्याज और हरी मिर्च, जो बिटर्स के बहुत अच्छा है, लहसुन आप सबको पता है, हरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये वाली पकौड़ी जरूर ट्राई करना, जो प्लेन पकौड़ी होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं कि मुझे ना फिर मुझे अच्छा लगता है कि प्लेन पकौड़ी से बेटर है कि कड़ी में हम पकौड़ी ही ना डालें, मतलब मुझे वो फिर चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है। इसमें कर लेती हूँ, थोड़ा बड़ा है
यार देखो कितना ज्यादा मैंने क्वांटिटी वाइज लहसुन लिया है। अब देखो ना लहसुन, देखो क्वांटिटी आपको दिख रही होगी। मैंने ना इस तरीके का पेस्ट बना लिया है, ये मतलब होता है ना थोड़ा सा भाजी टाइप जो पेस्ट होता है वो मैंने तैयार कर लिया है। तो बस तेल गर्म होते ही ना मैं इसको सेक लूंगी, सिंपल पकौड़ी जैसे सेकते हैं ना, पकौड़ी की तरह सिक जाएगा ये सिंपली। ना देखिए ना माने का कर रहा है, जो एक बीच पे मिलती है ना भजिया वो चीज लग रही है। देखो लग रही है ना बीच जैसी भजिया जो होती है, बहुत टेस्टी थी। इसको ना पूरा प्याज लहसुन वाली बहुत टेस्टी लगती है सिंपल ऐसे। आप लोगों में से किसी ने खाई है क्या ऐसी भजिया? ये बिल्कुल यार बीच वाली लग रही है, इसमें से खुशबू इतनी अल्टीमेट आ रही है। इसका कलर भी आप देखो ना, मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा गोल्डनिश जो शेड होता है ना, इसमें से जो खुशबू आ रही है मतलब सोंधी सोंधी सी प्याज की लहसुन की बहुत अल्टीमेट खुशबू आ रही है। अब ये मेरी भजिया बन चुकी है, मतलब पकौड़े बन चुके हैं। अभी ना मैं थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि ये मुझे अभी भी ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है कड़ी। सो ये हो गया, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ, और वो है आटा मलना। और यहाँ मैंने थोड़े से ना चावल भी भिगो दिए हैं, क्योंकि मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी कड़ी चावल, तो मतलब यू नो कड़ी है तो चावल होने ही चाहिए मेरे लिए ऐसा है। और यहाँ मैं थोड़ा सा मल रही हूँ आटा, क्योंकि चावल ना तो आटा थोड़ा सा ही मल रही हूँ, मतलब शायद वरुण तो चावल खाएंगे नहीं, मैं ही खाऊंगी चावल। बना फिर कल मैं कुछ इसका बना लूंगी, अपना दोपहर में कड़ी चावल खाऊंगी। अगर मैं कड़ी बनाती हूँ तो मैं इतनी बनाती हूँ कि कल दोपहर तक मैं इजीली खा सकूँ। और जैसे कि अब क्या होगा, अब हम रात में खाएंगे, हम तो पहले एक कटोरी पियेंगे इसको प्लेन, फिर हम रोटी से खाएंगे, मैं चावल से खाऊंगी, देन उसके बाद फिर कल वरुण ऑफिस ले जाएंगे और मैं दोपहर में खाऊंगी। कम से कम इतनी कड़ी तो होनी चाहिए, क्योंकि कड़ी में थोड़ा टाइम कंज्यूम है यार, फिर अब थोड़ी सी बनाओ तो क्या फायदा उसका। मतलब कल ना मेरा सुबह बहुत बहुत वो जाने वाला है, टेंशन फ्री, मैं बहुत रिलैक्स जाने वाला है। मुझे सिर्फ बनाना है ब्रेकफास्ट और कुछ भी नहीं, क्योंकि कड़ी बनी देखिए, रोटी बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, हो गया। आज मैंने सुबह बनाया था मलका मसूर की दाल, आलू प्याज की सब्जी, आटा बना था और रोटी बनाई थी, आज बहुत हेक्टिक हो गया। मेरा काम किचन का फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, अब बस चावल थोड़ा सा गल जाए, मतलब कम से कम 20 मिनट ना, उसके बाद चावल बनाऊंगी और रोटी तो फिर जब हम खाएंगे गरम गरम तभी सेकूंगी। कड़ी अपना खदकती रहेगी आराम से, हम चलते हैं रूम में, चलो एक बार ना वॉश कर दूँ बस फिर चलते हैं। हे गाइस, यार तो मैं अभी पता लाइव गई थी और मेरा फ़ोन फिर ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब स्विच ऑफ हो गया था, मैंने ऑन किया तो वो बफरिंग चल रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो मेरी बनके ना कड़ी तैयार हो गई है, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अभी थोड़ी सी मसाला भूंगी। आप चाहो तो टोटली स्किप कर सकते हो, बट मुझे आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है थोड़ी सी बूंदी ऐड करने का। ऐड कर दी, थोड़ी सी ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की। सो बस कड़ी तो बन गई है मेरी, और 10-5 मिनट और खतरने देती हूँ इसे। बट यार मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं इतने मन से लाइव थी, हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, इतने सारे लोग लाइव में थे, देखो
बट लेकिन पता नहीं क्या हो गया, फोन अचानक से ऑफ हो गया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, वो पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ चल रही है, खत्म हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी मुझे। सो सॉरी यार, सो सॉरी, सीरियसली सॉरी। चलो मैं एक बार ना चावल बनाने रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से फ्री होके। तो कड़ी तो हो गई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही टेस्टी लग रही है, आप लोग देख सकते हो ना कितनी अच्छी लग रही है। और बूंदी इसमें ना काफ़ी फूल गई हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ी भी नहीं बनाई है, अभी ना ठंडी हो गई तो थोड़ी सी लेयर हो गई है, ये ना इस कंसिस्टेंसी की है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। बट अगर आपको इसे सूप की तरह पीना है तो थोड़ा सा पतला कर सकते हो, मुझे ना चावल भी खाने हैं तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा गाढ़ी है, बट बहुत यमी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। कलर इसका बहुत प्यारा है, आप देख लो येलो, एकदम प्यारा सा येलो आया है। और उसी के साथ हो गए हैं ये रहे मेरे चावल भी तैयार, बहुत अच्छे चावल बनाए, खिला खिला एकदम, बस हल्का सा ठंडा हो जाइए। तो कड़ी चावल हो गए हैं तैयार, बस बनाते हैं हम रोटी। कड़ी चावल हो गए हैं तैयार, बस मैं रोटी की तैयारी करती हूँ। और फाइनली मेरा वीडियो जो मैंने, वीडियो नहीं मतलब जो मैं लाइव गई थी वो पब्लिक हो गया। और ये देखो मैं ना इस तरीके से शूट करती हूँ यार, यहाँ पे रख के अभी मैं लगाने जा रही हूँ कड़ी में चौक, चौक हाँ मतलब चौक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से ना कड़ी में चौक लगाती हूँ। मतलब बेसिकली चौक क्या, तड़का है ये, तो इससे ना कड़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना एक बार, अगर काफी सारे लोग लगाते भी होंगे। वैसे इतना कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है वो, मैंने ना इस तरीके की छोटी बस कटोरियां हैं तीन साइज की, इसमें बनाने वाली हूँ कड़ी का तड़का तैयार। आप इसमें चाहो ना तो कश्मीरी लाल मिर्च आते ना बड़ी, वो भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैंने लास्ट टाइम वो ऐड की थी, इस टाइम नहीं है तो मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो बस इसमें मैं तड़का लगाने वाली हूँ देसी घी का, क्योंकि अगर आप तेल का लगाओगे तो टेस्टी नहीं लगेगा। मैं देसी घी का तड़का लगाने वाली हूँ, इसमें एक चम्मच लिया मैंने घी, बल्कि थोड़ा सा और ले लेती हूँ, दो चम्मच मैंने घी ले लिया है, कड़ी के साथ साथ ले लो, दो चम्मच घी आ गया मेरा इसमें। और बस इसको मेल्ट कर लेंगे घी को, और इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च, आप चाहो तो देगी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, अगर बस देगी मिर्च ना मैं देगी मिर्च ऐड करूंगी, वरना थोड़ी कड़ी ज्यादा स्पाइसी हो जाएगी मेरी, मेरे पास देगी मिर्च नहीं है ना, तो मैं ना लाल मिर्च ही ऐड करूंगी, थोड़ी सी ऐड करूंगी मैं इसमें। वाओ, इट्स लाइक वाओ, सीरियसली इसे ना पूरा मेल्ट कर लेती हूँ अच्छे से घी को, आज मैं मिर्च ऐड कर दिया। अब मैं इस तरीके को इस कड़ी पर डाल दूंगी, आप चाहो ना सिंपल कटोरियों में भी डाल सकते हो, जिस कटोरी में खाते हैं, ये देखो वाओ अमेजिंग, इसमें तो खुशबू बहुत अच्छी आती है यार, बहुत अच्छी आती है। कैसी लग रही है मेरी कड़ी की रेसिपी, अच्छी है ना, जरूर ट्राई करना एक बार, पास से दिखाती हूँ आपको कड़ी। सो यार देखो कितनी ना टेस्टी वाली कड़ी लग रही है, एकदम गरम गरम और तड़के वाली, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में, ये बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी लग रही है। इसका कलर आपको थोड़ा सा लाइट येलो लग रहा है शायद, बट ये काफ़ी अच्छी खासी येलो है, और ये खदक खदक के आप देखो ना काफ़ी कम भी हो गई है, बहुत टेस्टी लग रही है। वाओ डिनर बन के हो चुका है रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार अपना डिनर। सो क्या आप तैयार हैं? डिनर, ये मेरा फेवरेट डिनर है। वाओ, आप देख लो कड़ी कितनी डिलीशियस लग रही है यार, आप देख सकते हो ना कितनी टेस्टी कड़ी लग रही है। और मैंने लिया है दो चपाती, थोड़े से लिए हैं मैंने राइस, और मैंने लिया है थोड़ी सी प्याज। सो कैसा लगा आप सबको मेरा ये डिनर, मुझे बहुत टेस्टी लगा, कड़ी मुझे ना अल्टीमेट लग रही है, अल्टीमेट अल्टीमेट डिलीशियस। मैं एक बार टेस्ट करती हूँ और आपको टेस्ट तो जरूर बताती हूँ, राइस के साथ बताती हूँ। यार बहुत टेस्टी है।
लिटरली बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनी है। बहुत टेस्टी है। मैं डिनर एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खाने के बाद मैं क्लीन करने जा रही हूँ, बर्तन इतने सारे हो रहे हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है खाना खाने का, बर्तन क्लीन करने का, क्योंकि पानी आ रहा है बहुत ठंडा ठंडा, बट लेकिन करना पड़ेगा वरना फिर सुबह किचन मिलेगा मैसी मैसी। तो चलो भाई बर्तन क्लीन करते हैं। बहुत ठंड हो रही है, लिटरली बहुत ठंड हो रही है यार। चलो मैं क्लीन करती हूँ ऊपर झटके से जल्दी। तो फाइनली यार मेरा किचन क्लीन हो गया और खाना भी खा लिया। अभी हम लोग देख रहे थे बिग बॉस, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मैं रूम में आ गई हूँ। बहुत ठंडी हो रही है यार, बस मैं कपड़े वपड़े चेंज करने जा रही हूँ, मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ। मेकअप क्या मतलब, काजल रिमूव करने जा रही हूँ। मुझे पता है मैंने कभी आज तक बोल्ड काजल नहीं लगाया था, मतलब आज तक इन द सेंस पिछले 20-25 डेज से पहले इतना बोल्ड मैंने कभी नहीं लगाया था। खाली काजल तो मैं कभी नहीं लगाती थी, मुझे ना पतला वाला काजल लगाओ ना तो सिंपल खाली अच्छा नहीं लगता विदाउट लाइनर, बट आजकल मुझे ऐसा काजल लगाना बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। और ये वाला काजल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काजल है। सो मैंने ये लगाया। अगर आपको इस काजल परचेज करना है तो इस काजल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और उसके साथ आते हैं आप बिल्कुल मेन बात पे, जो इतना वो था कि भाई मैं इतने दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कब से सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ यार कि सैटरडे को मेरा ना तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आई जस्ट थॉट कि मैं आज मीन पर्टिकुलरली सैटरडे को मैं व्लॉग नहीं करूंगी। बट हम लोग सैटरडे को लेट उठे, देन ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के चाय पी थी हम लोगों ने जस्ट, फिर मेरे कजन की ना तबियत खराब हो गई, उसका कॉल आ गया, देन हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो वो इमरजेंसी में एडमिट था, एडमिट मतलब उसको ना स्टोन है किडनी में, तो उसको पेन हो गया, तो स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत सीवियर टाइप होता है, तो इंजेक्शन जब तक ना हो तो ठीक नहीं होता। सो उसको इंजेक्शन लगा, तो फिर हम उसको यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ पर आ गया घर पर, फिर वो सैटरडे रहा, संडे रहा, देन मंडे मॉर्निंग, आज वो सुबह ट्यूजडे मॉर्निंग आज सुबह वो गया है, बट अभी उसका सामान रखा हुआ है, वो शायद कल लेने आएगा प्रोबेबली। सो इसलिए यार फिर कोई व्लॉग नहीं हो पाया, थोड़ा काम वाम बढ़िया, मतलब इन द सेंस की कल मैंने मशीन लगा ली, नहीं सॉरी संडे को मैंने मशीन लगाई, उसके थोड़े से कपड़े थे, वरुण के थोड़े से वीकडे के कपड़े थे वो लगाए, देन फिर ऐसे मतलब हो गया, थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मूड भी ठीक नहीं था, ये सब होते होते ना होते होते एकदम वो हो गया। फिर मैंने कल भी कोई व्लॉग नहीं किया, कल भी मेरा पूरा काम रह गया, कल काफ़ी काम करा मैंने, देन फिर आज वो गया, देन मैं ना आज फिर मशीन लगाई, थोड़ा सा क्लीनिंग की घर की, फिर फाइनली जाके आई स्टार्ट ब्लॉगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इतना लॉन्ग टाइम हो गया ना। पता है मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे इतने अच्छे अच्छे, आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने इसलिए कम्युनिटी पर अगर पोस्ट डाल दिया। वैसे मुझे लगा था कि मैं आज शायद वीडियो डाल दूंगी, बट वीडियो नहीं डाल पाई, इसलिए मैं आज लाइव आ गया आप सब लोगों से बातें करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा स्वेटर कैसा लगा मुझे अब ये जरूर बताना, ये तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि मैं कहाँ थी 3 दिन से। अच्छा लग रहा है इसका ना, ये वाली जो डिजाइन हो रही है ना बहुत अच्छी लगती है, और मैं आपको दिखाती हूँ बैठे बैठे ही इसकी बैक की डिजाइन भी, क्योंकि अब मेरे को ना खड़े होने का मन नहीं कर रहा ठंड में। ये देखो इस पर ना बैक में भी इसी तरीके की डिजाइन हो रही है पूरे में, मतलब पीछे से प्लेन है, नेक पर ना सेम डिजाइन हो रही है, बहुत अच्छा था।
तो ना एक होता है सेट पेन रखा है इस टाइप का, और इसकी स्लीव्स पे ये चीज हो रही है, यही चीज इसके नीचे हो रही है मतलब। तो मुझे इसकी ना डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है, और रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी बड़ा अच्छा लगता है। बताना जरूर कमेंट करके कैसा लग रहा है मेरा स्वेटर। और अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक स्वेटर का कलेक्शन नहीं देखा है जो मेरी मम्मी ने बनाया, तो वो वाला जो कलेक्शन है उसका आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ का वीडियो का, जरूर चेक करना। बहुत सारे स्वेटर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, और किस किस की मम्मी है या कौन है जो खुद हैंडमेड स्वेटर्स पहनना पसंद करता है बनाता है, मुझे जो हैंडमेड स्वेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो बस यही सब चल रहा है, और इस वाले ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। आई होप आपको आज का मेरे इतने सारे दिनों के बाद का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी से 15K के फैमिली कर दो यार, बहुत जल्दी से आई एम सो एक्साइटेड 15K, वाओ थैंक यू सो मच, जल्दी से 15K कर दो प्लीज। सो चलो ब्लॉग करते हैं खत्म, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।